सो हे गाइज दिस इज सुमित फ्रॉम गोब्रो ट्रेवल्स और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेवलर्स के बीच में काफी फेमस डेस्टिनेशन मलेशिया की मलेशिया में आपको काफी खूबसूरत बीचेस अमेजिंग नाइट लाइफ लश ग्रीन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ भर भर के देखने को मिल जाएगी मैं इस वीडियो में आपको मलेशिया के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूंगा अगर आप मलेशिया जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और अफिशियंट ट्रिप रहेगी और अगर आप नहीं भी जा रहे हैं तो भी आपके लिए वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव रहेगी तो मलेशिया के इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और सके और लेके आ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मलेशिया के सेवन डेज के की, जिसमें हम थ्री मेजर डेस्टिनेशन कवर करेंगे जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा क्वाला लुमपुर वहां से हम जाएंगे पेनांग और लास्ट स्टॉप रहेगा लंकावी आईलैंड मलेशिया काफी बड़ी कंट्री है पूरा मलेशिया घूमने के लिए डेज तो इनफ नहीं है बट कुछ मेजर हम जरूर इस वीडियो की हेल्प से कवर करेंगे हम इस वीडियो में आपको कैसे अपना ट्रेवल प्लान डिटेल में सेट करना है विद बजट वाइज ये बताएंगे एंड वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरे बजट का ब्रेकअप प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं मलेशियन वीजा की तो फिलहाल श्रीलंका एंड थाईलैंड के बाद अब मलेशियन गवर्नमेंट ने 1 दिसंबर 23 से 31 दिसंबर 24 तक इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा फ्री कर दिया है अब इंडियंस बिना किसी परेशानी के 30 डेज तक मलेशिया में आराम से घूम सकते हैं मलेशिया में सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे जैसे कि सिक्स मंथ वैलिडिटी का पासपोर्ट लास्ट सिक्स मंथ का बैंक स्टेटमेंट विद डिसेंट बैलेंस कन्फर्म रिटर्न फ्लाइट टिकट चाहे आप इंडिया रिटर्न आ रहे हो या कोई भी दूसरी कंट्री जा रहे हो मैं सजेस्ट करूंगा आप डम्बी टिकट पर डिपेंडेंट नहीं रहे वीजा फ्री के कारण डम्बी टिकट से स्ट्रिक्टनेस थोड़ी बढ़ गई है आपको इमिग्रेशन में दिक्कत आ सकती है इसके बाद आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अकोमोडेशन और होटल रिजर्वेशन डिटेल्स प्रूफ ऑफ कैरिंग इन करेंसी और सम बैलेंस फॉरेक्स कार्ड एंड लास्ट में आपको चाहिएगा एमडीएसी या मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड जो कि आपको अपने अराइवल के विद इन थ्री डेज के अंदर ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा एमडीएसी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप वहां से वो लिंक ओपन कर ले एंड फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर ले लिंक ओपन करने के बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करें यहाँ पे आप अपना नेम यहाँ पासपोर्ट नंबर नेशनलिटी इंडियन आपकी डेट ऑफ बर्थ फिर सेक्स मेल या फीमेल डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पासपोर्ट उसके बाद आपकी मेल आईडी मेल आईडी दोबारा डालिए फिर कंट्री कोड प्लस नाइन वन और आपका मोबाइल नंबर कंट्री कोड एंड मोबाइल नंबर दोबारा डालिए इसके बाद आती है आपकी ट्रेवलिंग डिटेल्स यहां डालिए आपके मलेशिया पहुंचने की डेट मोड ऑफ ट्रेवल जैसे कि एयर शिप या रोड मलेशिया से वापस जाने की डेट लास्ट पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन में डालिए आपकी लास्ट कंट्री लोकेशन जहां से आप फ्लाइट बोर्ड करोगे टू रिच मलेशिया अगर कनेक्टिंग फ्लाइट है तो आपकी जहां से कनेक्टिंग फ्लाइट है उस कंट्री का नाम यहां डालिए उसके बाद अकोमोडेशन डिटेल जैसे कि आप होटल में या कोई फैमिली या फ्रेंड के रेजिडेंस में स्टे करोगे उसकी डिटेल एंड वहां का एड्रेस उसके बाद आप जहां स्टे कर रहे हो वहां की सिटी का नेम स्टेट का नेम एंड पोस्टल कोड ऑफ दैट एरिया देन सबमिट पे क्लिक करो एंड इसको प्रिंट निकालकर साथ ले जाओ दैट्स इट ये सारी चीजें आपको इमिग्रेशन क्लियर करने के टाइम चाहिएगी एंड इसके बाद आपके पासपोर्ट पर लग जाएगा मलेशिया का स्टैंप नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाउ टू रीच मलेशिया इंडिया के हर मेजर एयरपोर्ट से आपको मलेशिया के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाएगी बट मैं रिकमेंड करूंगा आप कोलकाता कोची चेन्नई या इवन मुंबई से भी फ्लाइट्स पकड़ते हो तब काफी इजीली एंड सस्ते में मलेशिया पहुंच जाओगे आपको इंडिया टू कुला लंपुर की डायरेक्ट फ्लाइट ऑन अराउंड सिक्स टू सेवन थाउजेंड में पड़ जाएगी और रिटर्न फ्लाइट अब लंकावी आइलैंड्स से बुक कराओ जो आपको वाया कुला लंपुर ऑन अराउंड एट टू तो नाइन थाउजेंड में पड़ जाएगी सो आपका टू वे फ्लाइट कॉस्ट फोर्टीन तो टू सिक्सटीन थाउजेंड टोटल पड़ जाएगा

में ही नहीं बाकी हर कंट्री में यूएस डॉलर्स चेंज करवाना इज वेरी इजी आप एयरपोर्ट पे जरूरत अकॉर्डिंग करेंसी चेंज करवा ले एंड इसके बाद सिटी सेंटर या केएल सेंट्रल में आपको काफी करेंसी कन्वर्टर्स की शॉप मिल जाएगी आप वहां जाके करेंसी चेंज करवा सकते हैं आप केएल सेंट्रल में जलिन्नंद दत्ता करेंसी कन्वर्जन की शॉप जाके चेंज करवा ले इनकी रेट्स एस कंपेयर टू अदर्स काफी बेटर मिल जाएगी नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्स विच आर यूजफुल इन मलेशिया सो अगर आप कोई भी कंट्री घूमने जाते हो तो बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है जैसे कि कहां घूमने जाए अट्रैक्शन की टिकट कैसे बुक करें लोकल लोगों से कम्युनिकेट कैसे करें और भी बहुत कुछ पर ऐसी बहुत सी मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको काफी हेल्प कर सकती है वेन यू आर ट्रेवलिंग एब्रॉड सो नंबर वन ग्रैब एप्लीकेशन ग्रैब टैक्सी ऐप पूरे मलेशिया में ही नहीं पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो इट्स अ बेस्ट एप्लीकेशन टू बुक अ टैक्सी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जाने के लिए यह ऐप आपको तो कैब्स प्रोवाइड करती है नंबर टू मूव इट ये एप्लीकेशन आपके काफी हेल्प कर सकती है इन अंडरस्टैंडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस एप्लीकेशन के हेल्प से आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन कैसे पहुंच सकते हैं वो भी वाई यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो बताती है ये इतनी डेप्थ में डिटेल्स दे देती है जैसे कि बस नंबर टाइमिंग्स एंड उनके फेयर जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी नंबर थ्री क्लू कैप विद यूज ऑफ क्लू कैप आप पूरे मलेशिया के मेजर टूरिस्ट एक्टिविटीज के टिकट बेस्ट रेट में परचेज कर सकते हैं ये आप पूरे मलेशिया के एट्टी से नाइनटी एक्टिविटीज को कवर करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं टूरिस्ट सिम कार्ड की बट इन मलेशिया फॉर बाइंग सिम कार्ड आप एयरपोर्ट से भूल कर भी ना करें मार्केट जाकर आप काफी बेस्ट रेट्स में सिम कार्ड परचेस कर सकते हैं मैं सजेस्ट करूंगा आप सिटी सेंटर जाकर कोई भी सेवन इलेवन स्टोर से यू मोबाइल नेटवर्क की सिम कार्ड परचेस कर ले यू मोबाइल नेटवर्क की सिम कार्ड आपको नाइन रिंगिट्स या वन सेवेंटी इंडियन रुपीज में पड़ जाएगी जिसमें कोई भी तरह का डाटा नहीं होता आपको एडिशनल थर्टी रिंगिट्स या फाइव फोर्टी रुपीज का रिचार्ज करवाना पड़ेगा जिसमें आपको सेवन डेज के लिए अनलिमिटेड डाटा मिल जाएगा सो ऑल टोटल आपको सिम कार्ड सेवन रुपीस में पड़ जाएगी जिसमें आपको सेवन डेज के लिए अनलिमिटेड डाटा भी मिल जाएगा नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फूड ऑप्शन इन मलेशिया सो बेसिकली मलेश मिक्स कम्युनिटी के लोग रहते हैं जैसे कि इंडियन पाकिस्तानी मलेशियंस बांग्लादेशी एंड फ्रॉम मेरी मोर रीजन तो कहने का मतलब है कि पूरे मलेशिया में आपको हर टाइप के फूड ऑप्शन मिल जाएंगे चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज है चाहे वेगन फूड हो इवन मल्टी क्यूज रेस्टोरेंट्स भी आपको भर भर के देखने को मिल जाएंगे पूरे मलेशिया में आपको इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने में कोई भी तरह की परेशानी नहीं आने वाली बहुत सी फैंसी कैफेस रेस्टोरेंट्स एज वेल एज स्ट्रीट फूड आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे बेस्ट पार्टीज अगर आप बजट ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप कोई भी सेवन इलेवन स्टोर जाके पैक्ड फूड आइटम परचेज कर सकते हो जो आपको काफी पैसे बचा सकता है तो ये सारी जानकारी आई होप आपको समझ आ गई होगी फिर भी अगर मुझसे कुछ मिस हुआ है या आपको कोई भी टाइप की क्वेरी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं हम उसका सॉल्यूशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेके आ जाएंगे तो इसके बाद हम बात करते हैं मलेशिया के सेवन डेज की आईटेरी की तो अगर आप इवनिंग या नाइट में क्वाला लुमपुर लैंड करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा आप होटल में आराम से चेक इन ले एंड होटल के आसपास का एरिया एक्सप्लोर करें और अपनी आईटेरी नेक्स्ट डे से स्टार्ट करें और अगर आप मॉर्निंग में लैंड करते हैं तो आप अपनी आईटेरी सेम डे से स्टार्ट कर ले आप एयरपोर्ट से इमिग्रेशन क्लियर करके निकल जाइए के सेंट्रल जो की सिटी सेंटर है क्वाला लुमपुर का एंड आपके होटल्स या होटल्स भी के सेंट्रल के नजदीक ही रहेगी इस एरिया में आपको काफी होटल्स मिल जाएगी जहां पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग रहना पसंद करते हैं एयरपोर्ट से केएल सेंट्रल जाने के लिए आपके पास में तीन ऑप्शन है फर्स्ट वन इज टू टेक अ कैब जो कि ऑब्वियसली आप ग्रैब ऐप से बुक करवा सकते हैं एंड थैंकफुली मलेशिया एयरपोर्ट पर आपको फ्री वाईफाई भी मिल जाएगा जिससे आप कैब इजीली बुक करवा सकते हैं केएल सेंट्रल एयरपोर्ट से अराउंड 60 किलोमीटर दूर है तो कैब के चार्जेस काफी हायर साइड पर रहेंगे इसके अलावा एयरपोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन भी चलती है जो अराउंड हाफ एन आवर में आपको के एल सेंट्रल ड्रॉप कर देगी जिसके फेयर की बात करूं तो आपको 55 फाइव रिंगेट्स या वन थाउजेंड रुपीज तक देना पड़ता है जो भी काफी हायर साइड पर है एंड द बेस्ट ऑप्शन इज टू टेक द बस फ्रॉम एयरपोर्ट जिसे स्काई बस भी कहा जाता है उसमें बैठकर चले जाइए केएल सेंट्रल जिसका फेयर आपको सेवेंटीन रिंगेट्स या थ्री हंड्रेड रुपीज तक देना पड़ता है आपको स्काई बस के टिकट काउंटर एयरपोर्ट के लेवल वन पर मिल जाएगा जहां पे आप सिटी के लिए टिकट परचेस कर ले एंड काउंटर के पास ही मिल जाएगी आपको बस या कुछ एक्सपेक्टेड टाइम में वहां पर आ जाएगी आप बस में बैठकर चले जाइए केएल सेंट्रल जो आपको ऑन एंड अराउंड वन आवर में ड्रॉप कर देगी केएल सेंट्रल में अगर हॉस्टल्स की बात करूं तो आपको हॉस्टल्स वन थाउजेंड रुपीज से थ्री थाउजेंड रुपीज तक मिल जाएंगे एंड डिसेंट हॉस्टल आपको वन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज तक मिल जाएगा और होटल्स आपको टू थाउजेंड रुपीज से लेके एट थाउजेंड तक मिल जाएंगे एंड एक अच्छे होटल आपको टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तक इजीली मिल जाएगी आप कुआला लुमपुर में थ्री नाइट्स का स्टे रखें केयर सेंटर में आप अपने होटल या हॉस्टल में चेक इन ले एंड फिर निकल जाइए कुआला लुमपुर को एक्सप्लोर करने फर्स्ट आप चले जाइए किलोमीटर से ज्यादा इसमें एक 90 मीटर की ट्रांसपेरेंट टनल है जहां से आप मरीन लाइफ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हैं विच इज द बेस्ट पार्ट इन दिस एक्वेरियम यहां आपको हर टाइप के फिशेज शार्क स्ट्रिंग रेस और भी बहुत सारे सी एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे जहां आपको ढाई से तीन घंटे तक का टाइम चाहिएगा इसके टिकट्स आप क्लूक ऐप से पहले ही बुक करवा ले जिसका आपको ऑन अराउंड वन थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज तक देना पड़ेगा ऑनलाइन बुकिंग का ये बेनिफिट है कि आपको काउंटर पर लाइन में खड़े होकर टिकट्स लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी ऑनलाइन बुकिंग वालों के लिए अलग से क्यू है वहां आप हेसल फ्री एंट्री ले सकते हैं केयर सेंट्रल से आप गैब ऐप से टैक्सी बुक करवा के यहाँ पहुंच जाए जिसका आपको फिफ्टीन रिंग से टू सेवेंटी तक देना पड़ सकता है फिर एक्वेरियम से फ्री होकर आप कैब लेकर निकल जाइए वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक टॉवर के एल टॉवर को एक्सप्लोर करने कैब वाला आपसे ऑन एंड एडराउंड फाइव रिंग नाइन्टी रुपीज तक चार्ज कर सकता है केएल टॉवर को टॉवर वन भी कहा जाता है एंड इसके बेसिकली चार टाइप के टिकट होते हैं एक होता है टॉवर वॉक एक होता है स्काई डेक एक होता है ऑब्जर्वेशन डेक एंड वन इज स्काई बॉक्स टॉवर वॉक में आपको टॉवर के एच पे खड़ा किया जाता है विद प्रॉपर सपोर्ट और वहां पर एक ब्रिज बन रखा है जहां से आप टॉवर के थ्री डिग्री घूम सकते हो जिसका आपको फाइव हंड्रेड तक देना पड़ सकता है डेक बेसिकली एक ओपन एरिया है जहां से पूरे कुआला लमपुर को देख सकते हो इसके टिकट्स की प्राइस आपको ऑन अराउंड वन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी तक देनी पड़ सकती है एक होता है ऑब्जर्वेशन डेक जिसमें आप एक राउंड शेप मिरर डोम के अंदर से बाइनक्यूलर से पूरे क्वाला लमपुर को ऑब्जर्व कर सकते हो इसके आपको सेवन हंड्रेड रुपीज तक देने पड़ सकते हैं एंड लास्ट वन स्काई बॉक्स जो एक कंप्लीट मिरर का बॉक्स होता है जो एच टू एच बना हुआ है टॉवर के वहां आपको नाइन्टी से मिलते हैं टू क्लिक योर फोटोज और टू एंजॉय द व्यू ऑफ क्वालामपुर जिसके टिकट की प्राइस आपको एट हंड्रेड तक देनी पड़ सकती है आपको जो एक्टिविटी सुटेबल लगे आप वो या तो पहले से क्लू कैप पर बुक करवा ले वरना वहां जाके टिकट परचेस कर सकते हैं जो कि थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है क्लू कैप पर आपको इनके कॉम्बो पैकेजेस भी मिल जाएंगे जो काफी सही रेट्स में मिल जाते हैं मैं सजेस्ट करूंगा आप चार साढ़े चार बजे तक वहां जाए ताकि आप वहां के दिन एंड इवनिंग दोनों का व्यू एंजॉय कर सकते हैं नेक्स्ट आप या तो कैब लेके और या तो बाय वॉकिंग मलेशियन स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करते करते निकल जाइए के पार्क रास्ते में आपको काफी स्ट्रीट फूड्स के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे जहां आप कुछ खाते खाते रिफ्रेश हो सकते हैं एंड देन निकल जाइए के पार्क इस पार्क में जाने के लिए आपको सूर्य के के अंदर से जाना पड़ेगा जो कि पूरे कोलामपुर का को काफी फेमस मॉल है आप चाहे तो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं जहां आपको काफी मल्टी ब्रांड शोरूम्स देखने को मिल जाएंगे वरना आप डायरेक्ट चले जाइए के पार्क जहां मॉल के अंदर से ही आपको जाना पड़ेगा जो कि पेट्रोनस प्रिंट टॉवर से कनेक्टेड है स ट्रेन टॉवर वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट टॉवर है आफ्टर बुर्ज खलीफा तो यह देखने के लिए आपको इस पार्क से बेटर कोई दूसरी जगह नहीं मिलेगी जहां से पेटोनस टॉवर का इतना अच्छा व्यू एंजॉय कर सकते हैं इस पार्क में एक फ्री फाउंटेन एंड म्यूजिक शो चलता है जिसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें फाउंटेन म्यूजिक शो इवनिंग के आठ बजे से दस बजे तक चलता है तो आप आराम से अपनी इवनिंग यहां पर स्पेंड कर सकते हैं इसके बाद अगर आप नाइट लाइफ का शौक रखते हो तो आप चले जाओ एरिया को एक्सप्लोर करने जो कि सी पार्क के वॉकिंग डिस्टेंस पर है वॉकिंगतांग में आपको जमकर क्लब्स पब्स कैफेज डांस पार्क लाउड म्यूजिक डांस सब देखने को मिल जाएगा जो एक प्रॉपर नाइट लाइफ एरिया में होता है यहाँ आपको अलग ही तरह की एनर्जी देखने को मिल जाएगी तो अगर आप नाइट पर्सन हो तो यहाँ जाना काफी रिकमेंडेबल है यहाँ से फ्री होकर कैब करके चले जाइए आपकी होटल ट्रल मेट्रो स्टेशन से ब्लू लाइन के टी एम मेट्रो लेकर निकल जाइए केव मेट्रो स्टेशन टू एक्सप्लोर बाटू केव बाटू केव इज बेसिकली लॉर्ड मुगंस टेम्पल और एक बहुत ही बड़ी उनकी स्टेचू भी वहां लगी हुई है दिस इज द मोस्ट कलरफुल एरिया टू रोम इन क्वा लमपुर एब्रॉड जाकर टेम्पल में दर्शन करना इस like अलग ही लेवल का पीस है तो आप यहां आराम से सुबह उठकर निकल जाइए बाटू केव्स को एक्सप्लोर करने दिस इज द मोस्ट फोटोजेनिक प्लेस इन मलेशिया देन टेम्पल से फ्री होकर आप फिर से मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़कर आ जाइए के एल सेंट्रल एंड वहां से कैब बुक करवा कर निकल जाइए ब्रिक फील्ड या लिटिल इंडिया को एक्सप्लोर करने इट इज बेसिकली इंडिया अवे फ्रॉम इंडिया यहां पर आपको साउथर्न इंडिया की बहुत बड़ी कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी एंड ऑल्सो यहाँ आपको टेम्पल इंडियन रेस्टोरेंट्स शॉपिंग एरिया रिलेटेड टू इंडियन आइटम्स और भी इंडियन कम्युनिटी के हिसाब से स्टोर्स देखने को मिल जाएगा ऐसा लगेगा जैसे आप तमिलनाडु केरला या को इंडिया के साउथ की सिटी में घूम रहे हो रिटेल इंडिया से फ्री होके कैब करके निकल जाओ सेंट्रल मार्केट शॉपिंग करने कुआलालंपुर में अगर आपको बजट में शॉपिंग करनी है तो इस मार्केट से बेटर कुछ भी नहीं है आपको यहां पर अफोर्डेबल रेट्स में क्लोथ्स गैजेट्स सोविनर्स काफी देखने को मिल जाएंगे एंड यहां से आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए शॉपिंग भी कर सकते हो वो भी काफी रीजनेबल रेट्स में देन सेंट्रल मार्केट से फ्री होकर नजदीक में ही चले जाइए चाइना टाउन को एक्सप्लोर करने चाइना टाउन में आप जा सकते हैं पेटलिंग स्ट्रीट टू एंजॉय वेजिटेरियन फूड इन क्वालामपुर यहाँ आपको काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में वेजिटेरियन फूड्स के ऑप्शन मिल जाएंगे पेटलिंग स्ट्रीट के अलावा भी चाइना टाउन में काफी स्ट्रीट्स है जो काफी हैपनिंग है सो आप यहाँ जरूर आ सकते हैं पर आपको काफी क्लब्स पब्स पार्टी प्लेसेस है जहाँ अपनी नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं सो ऑन डे थर्ड आप मलेशियन सिटी के हसल बसल से दूर चले जाइए क्वालामपुर के फेमस हिल स्टेशन जेंटिंग हाईलैंड को एक्सप्लोर करने जेंटिंग हाईलैंड इज एट द टॉप ऑफ माउंट उलू काली जहां आपको प्रीमियम रिसोर्ट्स एडवेंचर पार्क शॉपिंग सेंटर्स एंड अमेजिंग साइट सिंग देखने को मिल जाएगी इट इज ऑल्सो नोन एज एंटरटेनमेंट सिटी ऑफ मलेशिया जहां आपको कसीनो थीम पार्क प्रीमियम शॉपिंग आउटलेट एंड उसके साथ साथ आपको लश ग्रीन नेचर भी दिख जाएगा जेंटिंग हाईलैंड में आप चले जाइए रिसोर्ट वर्ल्ड जेंटिंग विच इज द लार्जेस्ट होटल ऑल ओवर वर्ल्ड विद अराउंड सेवन थाउंड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी वन रूम इस रिसोर्ट में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा जैसे कि आप जा सकते हैं इंडोर थीम पार्क आउटडोर एडवेंचर पार्क कसिनो फूड्स एवरीथिंग जेंटिंग हाईलैंड जाने के लिए या तो अपने लोकेशन से डायरेक्ट कैब करके आ जाइए रिसोर्ट वर्ल्ड जेंटिंग अदरवाइज आप अपने होटल से जा सकते हैं अवाना स्काई वे जहां से टेन मिनट्स की केबल राइड है जहां आपको ये रिसोर्ट पहुंचा देगी कैब वाला आपसे ऑन एन अराउंड हंड्रेड रिंगर्स एटीन हंड्रेड रुपीज तक चार्ज कर सकता है फॉर वन वे जो कि आप गैर वेब से बुक करवा सकते हैं एंड केबल कार का आपको टू हंड्रेड रुपीज तक देना पड़ता है विच इज वेरी अफोर्डेबल आप पूरे दिन यह एंजॉय करके शाम को वापस आ सकते हैं कुआलालंपुर डे फोर्थ को आप अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी हो सके होटल से चेकआउट करके निकल जाओ के सेंट्रल बस स्टेशन वहां से आपको पेनांग के लिए बस मिल जाएगी आप या तो हैंड टू हैंड वहां से टिकट काउंटर से टिकट परचेस कर सकते हो और या तो आप रेड एप्लीकेशन से बस टिकट एडवांस में बुक कर सकते हो जिसके रेट्स ऑन अराउंड सिक्स फिफ्टी तक पड़ जाएगी यह फाइव आर बस जर्नी आपके लिए काफी शानदार होने वाली है विद सो मेनी अमेजिंग व्यूज एंड ऑल्सो रोड कंडीशन भी काफी अच्छी है तो आपके लिए बस राइड काफी कंफर्टेबल भी रहेगी को्वालमपुर से पेनांग के लिए हर टाइम पीरियड के लिए बस चलती है बट मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप मॉर्निंग में छह बजे वाली बस पकड़ोगे तो आप अराउंड ग्यारह बजे तक पेनांग पहुंच जाओगे जिससे आपका दिन खराब नहीं होगा पेनांग में बटरवत स्टेशन पर उतर जाओ जहां से आपको डायरेक्ट फेरी मिल जाएगी फ्रॉम सुल्तान अब्दुल हालिम फेरी टर्मिनल जो आपको राजा टून उड़ा फेरी टर्मिनल जो पेनांग के जॉर्ज टाउन एरिया में है वहां पहुंचा देगी विद इन ट्वेंटी मिनट्स और फेरी का चार्ज आपको अराउंड सिर्फ ट्वेंटी फाइव तक देना पड़ेगा सो बेसिकली जॉर्ज टाउन इज कैपिटल ऑफ पेनांग एंड टूरिस्ट जो पेनांग आइलैंड घूमने आते हैं वो मोस्टली जॉर्ज टाउन ही विजिट करते हैं और हम भी वही एरिया एक्सप्लोर करेंगे जॉर्ज टाउन में देखने के लिए बहुत कुछ है खूब सारी खूबसूरत बिल्डिंग्स बहुत ही रिच कल्चर और भी बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए इसके अलावा जॉर्ज टाउन यूनेस्को हेरिटेज साइट जो इसे और खास बना देती है रही बात स्टेज की तो जॉर्ज टाउन छोटा सा एरिया है तो आप अपना स्टे कहीं भी देख सकते हैं लोकेशन मैटर नहीं करता है यहां काफी रीजनेबल रेट्स में हॉस्टल्स एंड होटल्स मिल जाएगी डिसेंट हॉस्टल आपको वन थाउजेंड तक पड़ जाएगी एंड एक अच्छी होटल आपको टू थाउजेंड में आराम से मिल जाएगी ट्रांसपोर्टेशन में आप गैर एप्लीकेशन से कैब्स बुक करवा सकते हैं या तो काफी जगह पर बाय वॉकिंग ही पहुंच जाएंगे सो so, सबसे पहले आप चले जाइए चू जेटी के ऑपोजिट आर्मिनियम स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने पूरे जॉर्ज टाउन में आपको काफी कलरफुल स्ट्रीट्स एंड म्यूरल आर्ट्स देखने को मिल जाएंगे बट दिस स्ट्रीट इज वेरी फेमस बिकॉज ऑफ इट्स क्रिएटिविटी ये स्ट्रीट्स आपको अलग आप ही वाइब देगी जिससे आप बाय वॉकिंग ही एक्सप्लोर करें इन स्ट्रीट्स में पेंटिंग के अलावा भी सब कुछ देखने को मिल जाएगा जैसे कि क्यूट कैफे स्ट्रीट फूड्स लिटिल शॉपिंग स्टॉल्स जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं और भी बहुत कुछ यहाँ आपको अराउंड थ्री टू फोर आवर्स तक का टाइम लग सकता है जॉर्ज टाउन में भी लिटिल इंडिया है जहाँ आपको इंडियन सब कॉन्टिनें के काफी लोग बिजनेस करते हुए मिल जाएंगे तो आप वो जगह बिल्कुल एक्सप्लोर करें लिटिल इंडिया भी इस के काफी नजदीक है सो तो आपको आने जाने में परेशानी नहीं होगी यहां से इवनिंग में चले जाइए लव लैंड आपको जॉर्ज टाउन की लाइट लाइफ देखने को मिल जाएगी जो भी काफी शानदार है बहुत सारे फैंसी क्लब्स पब्स एंड कैफेज आपको इस लेन में भर भर के देखने को मिल जाएंगे यहां से निकल के चले जाइए आपके होटल नए दिन की शुरुआत करने सो डे फिफ्थ को आप मॉर्निंग में जल्दी उठकर चले जाइए पेनांग हिल को एक्सप्लोर करने पेनांग हिल पे या तो आप ट्रैक करके चढ़ सकते हैं या तो एक वेरी स्लोप ट्रेन चलती है जिसे फनिकुलर ट्रेन कहा जाता है उसमें बैठकर जा सकते हैं फनिकुले ट्रेन के टू वे के टिकट आपको थर्टी रिंगेट्स या अराउंड फाइव फिफ्टी रुपीज तक पड़ सकते हैं ये आपको रफली फाइव मिनट्स में टॉप पर पहुंचा देती है हिल पर पहुंचते ही आपको एक स्काई वॉक देखने को मिल जाएगा जो बेसिकली व्यू पॉइंट है पेनांग का इट इज सो अमेजिंग विच गि अमेजिंग व्यू ऑफ पेनांग इवन यहाँ से आपको पेनांग ब्रिज भी दिख जाएगा हिल पे ही आप चले जाइए द हैबिटेट को एक्सप्लोर करने ये एरिया आपको प्रॉपर रेन फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस करवा देगा जो आपके लिए काफी शानदार होगा हैबिटेट के अंदर ही आपको काफी अट्रैक्शंस देखने को मिल जाएंगे जैसे कि लंगूर वे कैनोपी वॉक जो कि एक काफी लंबा ब्रिज है जो प्रॉपर फॉरेस्ट के ऊपर से निकलता है यहां पर एक इंस्टाग्राम साइट है जाइंट स्विंग जहां अपनी काफी शानदार फोटोज क्लिक करवा सकते हैं यहां पर एक एक्टिविटी है ट्री टॉप वॉक जो हैबिटिट की मेन हाईलाइट पॉइंट है इट्स लाइक अ ब्रिज जो ट्रीज के ऊपर बन रखा है जहां से पूरे हिल का काफी शानदार व्यू देखने को मिल जाएगा एंड ऑल्स इट इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ पेन आंग विच इज पब्लिकली एक्सेसिबल इसके अलावा यहाँ आपको काफी लिटिल गार्डन बर्ड्स क्वेरल्स देखने को मिल जाएगी इनके टिकट आपको काउंटर से मिल जाएंगे

Most होटल से चेकआउट तो करके कैब लेकर निकल जाओ बटरवर्ट बस टर्मिनल जो की आपको ऑन एंड अराउंड हाफ एन आवर में ड्रॉप कर देगी कैब वाला आपसे अराउंड टू फिफ्टी रूपीज तक चार्ज कर सकता है बटरवर्थ बस टर्मिनल से आपको अलाव सत्तार के लिए बस मिल जाएगी जो कि टू आवर्स में आपको ड्रॉप कर देगी जिसका किराया आपको टू फिफ्टी रुपीज तक देना पड़ेगा अलाव सत्तार बस टर्मिनल से कैब लेकर निकल जो क्वाला कैदा फेरी टर्मिनल जिसका भी कैब वाला आपसे टू फिफ्टी तक चार्ज कर सकता है यहाँ से आपको लंकावी आईलैंड के लिए फेरी मिल जाएगी जो अराउंड डेढ़ घंटे की जर्नी होगी जिसका किराया आपको ऑन एन अराउंड थ्री सिक्सटी तक देना पड़ेगा ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है बट इट इज द चीपेस्ट वे टू रीच लंकावी अगर बजट इशू नहीं है तो आप पेनांग एयरपोर्ट से लंकावी के लिए फ्लाइट बुक कर सकते हो जो ऑन अराउंड थ्री थाउजेंड तक पड़ सकती है बट फेरी में अगर जाते हो तो ऑल टोटल आपको ऑन अराउंड वन थाउजेंड वन हंड्रेड टेन रुपीज तक देना पड़ता है विच इज काफी अफोर्डेबल कोविड से पहले देर डायरेक्ट फेरीज बिटवीन पेनांग एंड लंकावी जो कि अगली नोटिस तक बंद है बट अगर अगेन डायरेक्ट फेरी स्टार्ट हो जाती है तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली फ्लाइट्स आप अगर ऑनलाइन चेक करते हो तो वो आपको 1500 से 2000 के बीच में दिख जाएगी बट कीप इन माइंड इस रेट्स में आप चेक इन लगेज साथ नहीं ले जा सकते उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा तो आपके लिए वो फ्लाइट काफी कॉस्टली पड़ जाएगी हाँ अगर आपके पास में चेक इन लगेज नहीं है तो फिर इन फ्लाइट आपके लिए कंफर्टेबल भी रहेगी एंड सस्ती भी लंकावी आइलैंड में अगर स्टेज की बात करें तो हॉस्टल्स आपको 500 से 1000 के बीच में पड़ जाएंगे एंड होटल्स 1500 से 2000 के बीच में आराम से पड़ जाएगी आप अपना होटल या हॉस्टल चैनांग बीच के पास में ले सकते हैं जहां आपको काफी अच्छे मार्केट्स एंड काफी इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप वहां जाके स्कूटी रेंट ले, ले जिसका आपको ऑन एंड अराउंड नाइन हंड्रेड पर डे तक देना पड़ता है इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस यहां पर चल जाता है कोई भी टाइप का इश्यू नहीं आता है बट रूल्स वहां थोड़े स्ट्रिक्ट है मेक श्योर यू जस्ट फॉलो देम टू अवॉइड अननेसेसरी चलांस आप लंकावे आइलैंड पहुंच के होटल में चेक इन ले एंड होटल से ही आपको स्कूटी रेंट पर मिल जाएगी वरना वो आपको सजेस्ट कर देंगे अबाउट स्कूटीज फर्स्ट आप चले जाइए स्काई ब्रिज को एक्सप्लोर करने चेनांग बीच से 20 किलोमीटर दूर है बट 20 किलोमीटर का रास्ता आपके लिए काफी फोटोजेनिक होने वाला है स्काई ब्रिज जाने के लिए आपको एक केबल कार से जाना पड़ता है एंड केबल कार आपको 15 मिनट्स में 742 मीटर की ऊंचाई पर लेकर चली जाएगी केबल कार को स्काई कैब भी कहा जाता है जिसके टू स्टॉप्स होते हैं वन इज मिडिल डेक नदर वन इज टॉप स्टेशन आप मिडिल डेक उतर के लंकावी के ब्यूटीफुल व्यूज का मजा ले सकते हैं इसके बाद आप उतर जाइए टॉप डेक जहां से स्काई ब्रिज के लिए थोड़ी सी ट्रेकिंग करनी होती है देना पड़ता है जिसमें केबल कार एंड स्का इन्वॉल्व हो जाती है जो आप या तो काउंटर से टिकट परचेज कर सकते हैं या तो आप क्लू कैप परचेस कर सकते हैं स्काय ब्रिज पे अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे आप आ सकते हैं थ्री डी आर्ट म्यूजियम इट इज द सेकंड लार्जेस्ट थ्री म्यूजियम अराउंड वर्ल्ड यहाँ 200 से भी ज्यादा थ्री डी यार्स को देखने को मिल जाएंगे जहां आपको तीन सौ तक देना पड़ता है यहां से आप चले जाइए चैनांग बीच जहां का सनसेट व्यू आपके लिए काफी शानदार होने वाला है यहाँ पर काफी सारे बीच कैफेज भी है आप शाम को यहां बैठकर इस सुंदर नजारे का लुफ्त भी उठा सकते हैं थर्सडे कैफे इज द मोस्ट फेमस कैफे अराउंड दिस बीच आप वहां डेफिनेटली जाए एंड वहां से हेक्टिक दिन को खत्म करके चले जाइए आपकी होटल इसके बाद अगले दिन सुबह आप चले जाइए ईगल पॉइंट ये लांगक्वाई का मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है यहाँ ईगल का बहुत बड़ा स्टेचू है इसके अलावा आपको यहाँ काफी ईगल्स भी देखने को मिल जाएगी बेसिकली ईगल्स को मलाई में लांगक्वाई कहा जाता है ईगल्स के नाम पर ही आइलैंड का नाम पड़ा है यह स्टेचू अराउंड ट्वेल्व मीटर्स लॉन्ग है एंड ऑल्सो ये लांगक्वाई आइलैंड की निशानी भी है ईगल स्क्वायर इज सिचुएटेड बाय द वॉटर फ्रंट सो आप यहां से अंडमान सी के काफी ब्यूटीफुल व्यूज एंजॉय कर सकते हैं अगर आपको मलेशिया से थाईलैंड जाना है तो नजदीक में ही आपको थाईलैंड के लिए फेरीज भी मिल जाएगी जो राउंड 50 किलोमीटर दूर है इस आईलैंड से ईगल स्क्वायर से फ्री होकर आप चले जाइए लांगवाई वाइल्ड लाइफ पार्क जो कि एक ओपन जू है इस आइलैंड में पाए जाने वाले सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ की एंट्री टिकट थर्टी नाइन रिंगेट्स या सेवन हंड्रेड रुपीज की होती है यहाँ से फ्री होकर चले जाए किम जियो फॉरेस्ट पार्क को एक्सप्लोर करने यहाँ घूमने के लिए आपको बोट हायर करनी पड़ती है जिसके लिए आपको टू हंड्रेड रिंगेट्स या थर्टी सिक्स हंड्रेड रुपीज देने पड़ते हैं ये बोट टूर आपको चार जगह घुमाती है फर्स्ट इज बैट केव जो की चमकादोड़ो से भरी रहती है एंड आपको काफी बंदर भी देखने को मिल जाएंगे तो जस्ट बी केयरफुल यहां से आपको ऐसी जगह लेके जाते हैं जहां पर बहुत सारे ईगल्स या लांगक्वाय देखने को मिलते हैं इसके बाद आपको जियो फॉरेस्ट का एक चक्कर लगवाया जाता है और एक ऐसे पॉइंट पर लेके जाते हैं जहां से थाईलैंड दिखता है देन वहां से आपको एक फिश पार्क लेकर जाते हैं तो टोटल बोर्ड राइड करने में आपको अराउंड फोर आवर्स तक का टाइम लग सकता है जिसके बाद चले जाइए तांजुंग रू बीच को एक्सप्लोर करने विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच इन लंगवाई आइलैंड यहां आपको ज्यादा टूरिस्ट नहीं दिखेंगे बट इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट क्लीनेस्ट बीच ऑफ लंगवाई इस बीच से फ्री होकर आ जाए वापस आपके होटल जहां हो जाएगा आपका सेवन डेज का ट्रिप एंड एंड एट दे के मॉर्निंग में निकल जाए लांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पकड़ लीजिए इंडिया के लिए फ्लाइट तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट मलेशिया फ्रॉम माय एंड आई होप ये आपको काफी हद तक समझ आ गई होगी मलेशिया प्लान करना इज नॉट अ बिग डील काफी इजीली आप इसे समझ सकते हो एंड काफी इजीली आप अपने ट्रिप को प्लान कर सकते हो सो नाउ आई एम शेयरिंग कंप्लीट बजट ओवरव्यू फॉर मलेशिया सो नंबर वन राउंड वे फ्लाइट अराउंड सिक्सटीन थाउजेंड Visa is free till thirty first December twenty twenty four, so no charges for visa. Hotels twenty five hundred rupees for seven days for two persons, so it will be around eight thousand seven hundred fifty rupees per person. Tourist sim card seven hundred ten rupees. Cabs, buses, ferries, and other transportation around eight thousand rupees. Scooty for two days one thousand rupees per day with fuel, so it will be around two thousand rupees. Foods one thousand rupees per day, so for seven days it will be around seven thousand rupees. Now we will talk about activities and attractions in Malaysia. First one is Equator KLCC one thousand one hundred rupees. दें केल टवर कॉम्बो पैकेज टू थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज रिसार्ट वर्ल्ड जेंटिंग सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड रुपीज फनीकुलर ट्रेन एट पेनिंग हिल फाइव हंड्रेड फिफ्टी रुपीज द हेबीटाइट इन पेनिंग हिल्स वन थाउजेंड रुपीज स्काई ब्रिज एंड स्कै कैब लंगक्वाई टू थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज थ्री डी आर्ट म्यूजियम थ्री हंड्रेड रुपीज लांगक्वाई वाइल्ड लाइफ पार्क सेवन हंड्रेड रुपीजीज बोट टूर एट किलिम जियो फॉरस्ट पार्क थर्टी सिक्स हंड्रेड रुपीज सो सो ऑल टोटल योर परफेक्ट मलेशस्टू अराउंडी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड टेन रुपीज एंड आप अपने बजट अकॉर्डिंग इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड फ्रॉम मलेशिया मैंने सारी फेमस एक्टिविटीज एंड एट्रेक्शन इस वीडियो में कवर कर लिए हैं तो आपके लिए मलेशिया प्लान करना काफी ईजी हो जाएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दे एंड कोई भी टाइप की क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए हम उसका सोल्यूशन जल्दी लेके आएंगे सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी और हम जल्दी मिलेंगे अपने नए कंट्री के ट्रेवल आइटरी के साथ तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हम जो वीडियो अपलोड करें आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो